हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोकगीत चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, गर्भ में अगर लड़का है तो वो किस महीने में हलचल करेगा, यानी कि पहली किक आपको कौन से महीने में सुनाई हलचल फील होगी, कब महसूस होगी। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि औरों को भी पता चल सके और भी इसके बारे में जान सके। दोस्तों, हमारा बेटा बेटी में भेदभाव करना बिल्कुल नहीं है, ना ही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, और माँ बाप के लिए दोनों ही संतान जरूरी होती हैं और दोनों ही बराबर होती हैं। तो हमारी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा और उत्सुकता के तौर पर ही देखें, खाली सेंस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, 100% कोई भी लक्षण सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप 100% श्योर बिल्कुल भी ना हो। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं टॉपिक पर कि हम इस वीडियो में बहुत ही सीक्रेट लक्षण के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, तो आपको जानने की जिज्ञासा होती है, और हर गर्भवती महिला को होती है जिज्ञासा जानने की। जब भी अगर आपके जो बच्चे ने हलचल मूवमेंट आपके महीने में 5वें महीने तक भी कोई हलचल नहीं की है, कोई मूवमेंट आपको फील नहीं, कोई किक फील नहीं हो रही है बच्चे की आपको, तो आपको पेशेंस रखना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लड़के जो होते हैं, जैसे ही आपको 6वां महीना लगता है, स्टार्ट होता है, तो आपका बच्चा 6वां महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, आपका बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है, ये आपको फील करना है। क्योंकि अगर 5वें महीने तक कोई नहीं किया है, 5वें महीने के एंड तक भी नहीं किया है, और जैसे ही आपका 6वां महीना स्टार्ट हुआ है, आपके बच्चे ने हलचल करना स्टार्ट कर दिया, आपको फील होने लगा है, तो दोस्तों ये अच्छी बात है, लड़का होने की निशानी होती है। क्योंकि लड़का जो होते हैं थोड़े लेजी टाइप में होते हैं, और थोड़ा लेट मूवमेंट हलचल करना शुरू करते हैं। लड़कियां जो होती हैं काफ़ी एक्टिव होती हैं, चंचल होती हैं, तो 3.5 महीने पर अगर आपके बच्चे ने हलचल करना शुरू कर दिया है, तो वो लड़की होने का लक्षण माना जाता है। अगर 6वें महीने पर किया है, या आपका 6वां महीना लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि ये हेल्दी के ऊपर भी होता है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है, लड़का आपका, तो वो 6वां महीना आपका जैसे ही ख़त्म होगा या फिर आधा निकल जाएगा तब स्टार्ट करेगा। और आपका बच्चा अगर हल्का है, वेट उसका ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों वो 6वां महीना स्टार्ट होता है तब स्टार्ट कर देता है बच्चा घूमना हलचल। क्योंकि ये वेट के ऊपर भी होता है बच्चे के, क्योंकि जो ज़्यादा मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो लास्ट में करते हैं 6वें महीने के, मतलब आपका जो 6वां महीना होगा, 2-4-6 दिन उसमें रह जाएंगे ख़त्म होने में, तब स्टार्ट होगा। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, सावधानी के साथ ही आपको ये चीज़ फील करनी है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आपको 6वां महीना निकल गया है उसके बाद भी आपको कोई हलचल फील नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर पर जाके आप ज़रूर दिखाएँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जो भी आपको प्रॉब्लम दिक्कत है। तो दोस्तों, ये था आप हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, और जो कि हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया, और ये लक्षण काफ़ी हद तक सही साबित होता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें।